हम सब ब्रह्मा जग खुमिया थार जैसा ना कोई। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासन पति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की साधना को, प्रभु की ज्ञान को, प्रभु की क्षमा को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं, उनकी वाणी पंचम काल में हमें बोध देती है, आत्मबोध करवाती है और आगे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। वायनंग भन्ते जीवे किम जनई, हे भगवान वाचना से जीव को क्या फल मिलता है। वाचना एक जैन दर्शन में एक महत्वपूर्ण शब्द है। वाचना, वाचना का अर्थ है शिष्य गुरु के मुख से पाठ बैठ कर के बिना के साथ उनसे सूत्र का पाठ लेता है और जिज्ञासा हो उसका समाधान करता है। वाचना से क्या होता है, कर्मों की निद्रा होती है, निद्रंग जाए। जैसे जैसे आप वाचना लेते हैं तो आपके कारमान शरीर पर पड़े हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है और शुद्ध का अनुवर्तन होने से शुद्ध की असाधना नहीं होती, कोई दोष नहीं लगते। हमारे पास जो वाणी है उसका आधार शुद्ध है, शुद्ध का अनुवर्तन होने से शुद्ध की असाधना नहीं होती। शुद्ध के अनुवर्तन से अनासाधना में प्रवृत्त हुआ जी तीर्थ धर्म का आलंबन करता है। तीर्थ धर्म साधु साधवी श्रावक श्राविका ये तीर्थ धर्म है, चारों तीर्थ उसका सहारा लेता है। तीर्थ धर्म का सहारा लेने से वो महानजरा और महाप्रियवसन कर्मों का अंत कर देता है। एक वाचना गुरु मुख से वाचना लेना, श्रद्धा से स्वीकार करना। कल भी जैसे आपको बताया था वो मुनि जो वृद्ध दीक्षा ले ली थी, गुरुमुख से वाचना सुनी उसको याद नहीं होता तो बार बार उच्चारण करते और बड़े मुनि उनका उपहास करते, ये कैसा है, मुसल पे फल लगेंगे तब ये इसको कुछ बोध होगा। उन्होंने पूछा भाई ये क्यों काटा, कहते इस पर फल लगेंगे, पानी देते हैं कहते इस पर फल आते हैं, कहते जैसे आप आपको याद तो रहता नहीं, बार बार उच्चारण करते हैं भूल जाते हैं, ऐसे आप नहीं कुछ कर सकते जी। उन्होंने उसका बुरा नहीं माना और उत्साह के साथ होश के साथ जोश के साथ वो पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, गुरु का विनय करते हैं, गुरु से वो सूत्र लेते हैं, गुरु से प्रार्थना की प्रभु मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ। तो गुरु ने मंत्र दिया, विद्या मंत्र दिया, विद्या मंत्र देने के बाद 21 दिन की साधना करने के बाद देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने वरदान दे दिया कि तुम जो भी बोलोगे तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। बहुत से वो वादी आचार्य बने, बड़े बड़ों को हराया उन्होंने और वैसे ही मुसल डाल करके और उन्होंने फल फूल पैदा की, सभी आश्चर्यचकित रह गए। तो वाचना, वाचना का अर्थ क्या है, स्वाध्याय के 5 अंग हैं, आज वाचना पर चर्चा करेंगे। पहले वाचना, फिर पूछना, फिर परिवर्तना, उसको रिपीट करना, अनुप्रेक्षा, उसमें गहराई में जाना, धर्म कथा 5। आत्मनिरीक्षण करने से जीव उच्चता को प्राप्त कर लेता है, उच्च गति को प्राप्त कर लेता है जीव आत्मनिरीक्षण करने से। केवल पुस्तकों के शब्दों को रटना स्वाध्याय नहीं है, स्वाध्याय तभी स्वाध्याय जब वह विराट विश्व में समझ लेता है, जान लेता है मैं कौन हूँ मैं क्या हूँ, बोध हो जाना, अस्तित्व का बोध हो जाना,
वांछना से अस्तित्व का बोध हो जाता है। हमारे पास जितने भी सूत्र हैं, भगवान महावीर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। गणधर गौतम ने प्रश्न पूछे और भगवान ने उसका उत्तर दिया, और भी जिन्होंने पूछा, जयंती श्रावका ने पूछा और कई मुनियों ने पूछा, जो पूछते गए भगवान अपने केवल ज्ञान में उत्तर देते रहे और समाधान करते रहे। और वो सूत्र फिर सुधर्मा स्वामी पाठ पर बैठे, गौतम स्वामी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। सुधर्मा स्वामी के शिष्य जम्बू स्वामी को, जम्बू स्वामी जिनकी 8 रानियां थी, 99 करोड़ की संपत्ति थी, आंगन में पड़ी थी, एक रात्रि में 8 को संबोधन करते हुए दीक्षा ले लेते, प्रभव चोर उनके धन को लेने आया था, धन सारा आंगन में पड़ा हुआ था। जब प्रभव चोर ने देखा उनके संवाद को कि ये तो सब छोड़ रहा है, मैं पकड़ रहा हूँ, और उन्होंने जम्बू स्वामी उनके पाँव, ऐसी विद्या थी कि पाँव जकड़े जाते हैं, उन्होंने कहा ये विद्या कैसी है, पाँव खोल दो तो मैं अपनी विद्या दे देता हूँ। तो जम्बू स्वामी ने उनको धर्म का उपदेश दिया। 500 चोर, जम्बू स्वामी, उनके माता पिता, 8 रानियाँ, सब ने एक साथ दीक्षा ले लेते। वो जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के शिष्य बनते हैं। सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी प्रश्न पूछते हैं और जम्बू स्वामी उनको उत्तर देते हैं। और सुधर्मा स्वामी यही कहते हैं, हे शिष्य, जो मैंने भगवान से सुना है वो मैं कह रहा हूँ, अपने बुद्धि से कुछ नहीं कहता। ऐसी ये परंपरा चलती है, श्रुत परंपरा चलती है, जो भगवान केवल ज्ञानी ने अपने मुख से देखा, इसलिए सूत्र को पढ़ करके उसमें कुछ मिलाना नहीं, घटबट करना नहीं, जैसा सूत्र है वैसे का वैसा अर्थ करना, उसको जीवन में अंगीकार करना। तो सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को बोला, जम्बू स्वामी ने उत्तर वो आज चाहे वो सूत्र उत्तराधीन सूत्र है, आचारांग सूत्र है, ठाणांग है, समवायंग है, दशविकाल जितने भी सूत्र हैं वो हमारे सामने हैं, वो वांछना से प्रभावित हुए हैं। केवल पुस्तकों के शब्दों को पढ़ना नहीं, व्यक्ति जाने, एक जिज्ञासा पैदा करे। एक शब्द है जिज्ञासा, एक है मुमुक्षा। जिज्ञासा तो केवल जानकारी होती है, मुमुक्षा का अर्थ है कि जो मैं पूछ रहा हूँ उससे क्या मेरा कल्याण होगा, क्या मैं मोक्ष का अधिकारी बनूँगा, क्या मैं संसार का अंत कर लूँगा, क्या मैं सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनूँगा, इस भाव से प्रश्न पूछना मुमुक्षा बहुत ज़रूरी है। जिज्ञासा नहीं, मुमुक्षा। मुमुक्षा का अर्थ है कि जो कुछ भी प्रश्न करोगे उसे पूछे, आपकी गहराई होगी, आपका चिंतन होगा, आपका मनन होगा, आपका उसका स्वाध्याय होगा, ध्यान होगा। ऐसा अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? आप तो कहते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ। ये तुम नहीं हो, ये शरीर है, तुम कौन हो? गहराई में पूछो, मैं कौन हूँ? फिर भगवान की वाणी आपने सुनी है, जो शिवरार्थी बैठे हैं, जड़ और जीव का भेद करो। जड़ यानी ये शरीर, शरीर 3.5 हाथ की काया, इसमें क्या है? हड्डी है, मांस है, मज्जा है, रक्त है, हृदय है, धड़कन है, रीढ़ की हड्डी है, खून है, सब कुछ है। इसके भीतर मैं कौन हूँ? मैं आत्मा। और आत्मा की उपस्थिति में इंद्रियां कार्य करती है, मन कार्य करती है, बुद्धि कार्य करती है। आत्मा अलग हो जाए तो शरीर शमशान की राख, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सुगंध ले नहीं सकती, जिह्वा रस ले नहीं सकती। तो मुख्यतः क्या है? आत्मा कुछ भी नहीं करती,
पर आत्मा की उपस्थिति में देह कार्य करता है, इंद्रियां कार्य करती है, मन कार्य करता है, बुद्धि कार्य करता है। आप इसको सेपरेशन कीजिए, भेद कीजिए। जीव यानी आत्मा अलग है और देह अलग है, देह के गुण धर्म अलग है, देह का स्वभाव है गलना सड़ना विध्वंस होना, बड़े होना विध्वंस हो जाना, देह भूख लगती है प्यास लगती है, देह के सारे संबंध जो बने हैं हमारे संघ के समाज के माता पिता बहन भाई गुरु शिष्य बाप बेटा, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। आत्मा अकेली पूरे ब्रह्मांड में विश्व में तीनों लोकों में तीनों कालों आत्मा अकेली, ये भगवान की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है, महावीर की वाणी है, जो हम इस पंचम काल में श्री सुमंत स्वामी भगवान से सुनते हैं, शिवरों के माध्यम से वाणी आती है। इसका बार बार क्या करो, वाचना पूछो अपने आप से, मैं हूं कौन, मैं आत्मा हूं तो कैसा आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त है, अष्ट कर्म से बंधा हुआ हूं, कर्मों को क्षय करके अपने में लीन होना है। इस प्रकार का बार 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 वाचना लेने के बाद गुरुमुख से आप स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र अकेले नहीं पढ़ सकते, तो गुरु के पास जाओ जो जानकार है, उससे वाचना लो और वाचना करके फिर उसको हृदयंगम करो। तो वाचना पढ़ना पढ़ाना शिष्यों को सूत्र रूप में या अर्थ रूप में नया ज्ञान देना, ये वाचना है। अर्थ है अध्यापक में और गुरु में, टीचर में और एक गुरु में। पुराने ज़माने में गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में गुरु शिष्यों को समान रूप से शिक्षा देते थे। आप देखते हैं कृष्ण वसुदेव और सुदामा, जो गरीब ब्राह्मण, दोनों की दोस्ती थी, इकट्ठे जाते थे, जंगल में जाते थे, संविदा इकट्ठी करते थे, पढ़ाई करते थे, गुरु उनको उपदेश देता था, गुरु माँ रात को दोनों को शिक्षा का बोध देती थी, कहानियाँ सुनाती थी, एक सुंदर पद्धति थी। आज वो पद्धति नहीं रही, आज एक टीचर अध्यापक उसका इतना ही कार्य है, वो पेड़ लेता है, पैसे लेता है, चला जाता है, विद्यार्थी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता उसका सारा सिस्टम ये चेंज हो गया है। अंग्रेज़ों ने मैकाले ने भारत की जो शिक्षा पद्धति संस्कृति थी उसको नष्ट कर दिया और भारत को एक क्लर्क बना दिया। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा अध्यापक और गुरु में अंतर। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ जीव का भेद कर दे, मैं जीवात्मा हूं, अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूं, विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें, तुम मात्र दृष्टा। अपने भीतर गहरी मान और शांति का अनुभव करें। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें।
एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उगच्छायानंग, नमो लोए सत्साहुनम धम्मो मंगल मोकिटम, अहिंसा संयमो तमो देवावितंग नमम संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारि मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा आरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. Guru, humko aisi kripa drashti de.